different morphologies of the zinc oxide by tuning the pH. What are the advantages of those different morphologies? What is the difference between the co-precipitation and hydrothermal vapor? Main difference between them. Is there any difference? Sir, hydrothermal co-precipitation में ये होता है कि हम हमें जो है वो drop wise sodium hydroxide हमें add करना होता है with time यानी 3 hours में भी आप drop wise पे डालेंगे या जो भी आपका method है procedure 4 hours में तो वो हम डालते हैं hydrothermal पे ये नहीं होता हमें ये होता है जस्ट stir करके हमें हम उसको रख देते हैं laboratory में पे. We can say that the co-precipitation method is a type of a hydrothermal. हम इसलिए आपसे कह सकते हैं क्योंकि हमने उसको बाद में फर्दर ग्रोथ के लिए हमने रखा और उनका नहीं है लेकिन हमने जो पांच सिचुएशन ग्रोथ की है स्लाइड नंबर 25 Here we mentioning place the solution in the oven for 6 hours at 100 degree centigrade. At 100 degree centigrade, the water will start to boil. साइज इंक्रीज होनी चाहिए विद द टाइम कैसे जा पड़ा है
पार्टिकल की साइज आपकी न्यूक्लिएशन रेट आपका एक ही पार्टिकल कंटीन्यूअस रहेगा आपकी साइज इंक्रीज होगी वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का एसिडिक मीडियम में आपका इच होना शुरू हो जाएगा पार्टिकल साइज आपकी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा आप एसिडिक से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द अल्कलाइन आपका एसिडिक मीडियम नहीं रहा पीएच आप इंक्रीज कर रहे हैं पार्टिकल साइज आपकी डिक्रीज हो रही है तो स्टेबल हो गया जिस वजह से वो प्रिंसिप एग्रोमेशन नहीं हो रही है हमें साइज स्मॉल ही मिला है स्टेबल होने के आपकी बहुत सारी पीक्स आ रही है आप किस पीक को यहाँ पर अदर पीक्स को आपने चेक किया तो उस पर क्या जा रही है नेचर पार्टिकल की क्रिस्टलाइन साइज या सो मेनी पीक्स आप फेस में बहुत सारी पीक्स आ रही है हर एक पीक डाउन है ठीक है आपने क्या उसमें चेक किया क्या सब पार्टिकल्स को क्या बन जा रहा है क्योंकि अगर आप 101 पीक दे रहे हैं मींस सी एक्सिस भी आपके पास यहां पर आ रही है और आप ए एक्सिस को भी कंसीडर कर रहे हैं इन 100 पीक अगेन देयर इज अ ए एक्सिस 002 पीक देयर इज अ सी एक्सिस द रोल ऑफ द सी एक्सिस इंडिविजुअली आपको दो पीक्स में इनका रोल आ रहा है Why you are not considering those two peaks? Sir, in both of the peaks, we were thinking that I think we have to particle size increase. Okay, slide number 37. Here you have 250 degree centigrade for your I think so far. 230 degree centigrade. Okay, noise is coming. Sir, because मैंने जो यूज किया वो हेक्साहाइड्राइड यूज किया मैंनेशन क्लोराइड तो जो वाटर सिक्स मॉलिक्यूल है वो रिमूव नहीं हुए 230 पे जब हमने उसको फर्दर हाई टेम्परेचर दिया तो 500 पे हमें एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर थी वो हमें नहीं मिली इट मींस ऑल अदर अदर पीक्स दे बिलोंग्स टू द ओएच आपने चेक किया है यस सर वो चेक की थी वो जो थी बाकी जो थी वो थी नहीं ये सर अनिल है उसमें भी आपके पास वही नॉइजी पीक्स आ रहे हैं इसमें भी आपका आ रहा है जिंक ऑक्साइड एज ग्रोन आपके पास जिंक ऑक्साइड आ जाता है जिंक हाइड्रोक्साइड आपका नहीं जाता ठीक है सो यहाँ आप इस पीक्स को मैच कर लेते हैं इसे लिटरेचर में सर्च करते तो आपका ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि दीस पीक्स बिलोंग्स टू सम अदर इंप्योरिटीज तो आपकी नहीं है वो इंप्योरिटीज आपके 500 पर जाकर खत्म हो जाएगी क्योंकि ओएच आपका अनडॉक में नहीं आएगा जिंक ऑक्साइड ठीक है अगर अनडॉक में भी आपका पड़ा हुआ है तो आपके मैग्नेशियम में भी पड़ा क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट्स करके गया है अंदर 5-10-15% मैग्नेशियम डॉक में करके गई है जीना ठीक है लेकिन ये बिहेवियर नहीं आ रहा ऐसे कैसे कुछ
साढ़े चारों करने का क्या है, जब आपको एक साढ़े हो उसमें कंफर्म होगा तो खत्म। सर पी एस ओ में बैंड तो चल रहा है ना, हमें इसकी इफेक्ट्स हमें कुछ नहीं सुनाई है। और मतलब जब आप एस सी एम करते हैं, जब आप एस सी एम करते हैं तो उसमें क्या चेक करते हैं? उसकी मॉक टेस्ट में कुछ शेयर कर दीजिए कि हमें वो स्कूल में पढ़ने से हमें कितना क्या शेयर कर रहा है। और फिर एक्सआरडी 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 हम उसकी डिस्काइन क्वालिटी चेक करेंगे, ये हम उसका बैंड गैप भी चेक करते हैं, उसके डिफेक्ट्स क्या आ रहे हैं उसके अंदर, वो पीएन पोर्टल कंफर्म करता है कि क्रिस्टल क्वालिटी कंफर्म करता है जो हमारा एक्सआरडी का। और फिर ईडीएक्स को चेक करते हैं, ईडीएक्स के मटेरियल जो हमें लॉग के वो बाकी उसमें मौजूद है वो इसका मतलब ये एक्सआरडी उसको प्रेजेंट शो नहीं करता, मतलब कंफर्म नहीं करते उसको पता नहीं चलता कि ये फॉलोअप है या नहीं। लॉग तो कर लेगा लेकिन कितना रिमेनिंग है ये कुछ क्वांटिटी वगैरह के है रिकॉर्डिंग